जी आखिरी प्रश्न, हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि करोड़ों लोग हमारे बाजार से जुड़ रहे हैं, चाहे ट्रेडर्स के रूप में, चाहे निवेशकों के रूप में, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। आपने और मैंने लगभग 2 दशक से ज्यादा बाजार देख लिया, बताइए 3 ऐसी सीख जो आप हमारे इन नए मेहमानों को देंगे ताकि बहुत बढ़िया रिटर्न्स शुरुआती पारी से ही आपको बनते हुए दिखें और परेशानी में ये लोग ना पड़े जैसे कम से कम मैं पड़ा था। देखिए, पहली बात ये है कि इक्विटी जो रिटर्न्स जो नियर टर्म में बने हैं उस पे ज्यादा गौर मतलब फोकस मत कीजिए। अगर सही में इक्विटी में वेल्थ कमाना है तो आप एटलीस्ट 5 या 10 साल का व्यू लेकर इक्विटी में आइए, इन्वेस्टेड रहिए, एंड अगले 5 साल में एटलीस्ट जो रिटर्न्स इक्विटीज के थ्रू बनेंगे शायद ही कोई दूसरा एसेट क्लास हो जहां पे ऐसे रिटर्न्स बने। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है ये एक काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड मैच्योर इंडस्ट्री है, तो अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं टू लर्न द ट्रेड, टू लर्न कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाए, तो जरूर कीजिए, वरना यू गिव इट टू म्यूचुअल फंड्स या जो भी हो, AIF हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उन पर रिलाई कीजिए, ना कि खुद ट्राई कीजिए। That is something that I would definitely focus on. And third is, हर fund में they go through cycles. एक थोड़ा सा cyclical है ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई fund अगर पिछले 6 महीने में या 1 साल में returns अच्छे नहीं बने वहाँ पे, तो वो fund खराब है। इसका ये हो सकता है कि they are going through their own time frame of consolidation and the returns will all start coming back. एक ही चीज़ कहूँगा कि investment का time frame 3 से 5 साल minimum रखिए। जितना लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आपको इक्विटी मार्केट्स देगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से नाहा जी ने आपको समझाया कि भाई इक्विटी की जो जगह है वो 3 से 5 साल की है। आजकल अनिरुद्ध जी बहुत लोग एक ही महीने में चाहते हैं कि स्टॉक डबल हो जाए और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन समय है और हमने भी ये समय देखा, हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन ध्यान दीजिए लंबी अवधि में आपको इक्विटी इन्फ्लेशन प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर ही रिटर्न देती है, उस पर 2-3% और जोड़ दीजिए तो एवरेज 14% कंपाउंडेड रिटर्न अगर आपका इक्विटी में आए तो आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं अनिरुद्ध नाहा साहब का, बहुत ही बढ़िया चर्चा रही, बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि वैल्यू फिलहाल ऑटो स्टॉक्स में आपको आती हुई दिखती है और ऑटो एंसिलरीज में। आज का डिस्कशन था PGIM फ्लेक्सी कैप इंडिया फंड, और यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए एक बढ़िया SIP लगाइए। पिछले 1 साल ईयर टू डेट, 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास रिटर्न्स कमा के दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिटर्न्स आपको जारी होते हुए दिखेंगे। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े।